सिर्फ एक बटन और यहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा। तो गाइस क्या मैं इसे दबाऊ? ओके, एक्सट्रीमली हार्ड। फाइनली हम सब में एनर्जी आ गई है गाइस, एक्सट्रीमली हार्ड पे हम सब आ गए हैं। सॉरी गाइस, ये थोड़ा ओवर हो गया। तो गाइस बिना किसी देरी के पहले हमारा आज का मैच शुरू करते हैं। पहले तो तुम लोग हमारा अरीना देखो। सरप्राइज, दिस इज रेसलमेनिया। गाइस क्या अरीना लग रहा है यार। और गाइस यहाँ पर हमारे ट्राइबल चीफ आ चुके हैं, रोमन रेंस। रोमन भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे फेवरेट WWE के रेसलर हो, पर आज के दिन मैं आपका सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज आपके सामने जो बंदा है उसको यहाँ तक लाने में हमें 3 वीडियो की मेहनत लगी है। तो गाइस अंडरटेकर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो आज मैं उसी को लेकर खेल रहा हूँ। ओ तो यहाँ पर हमारे अंडरटेकर भी आ चुके हैं गाइस, अभी मजा आएगा ना वीडियो। एक सेकंड, अब थोड़ी सी कॉमेडी बंद करते हैं क्योंकि अंडरटेकर की एंट्री काफ़ी धमाकेदार होती है, यहाँ पर थोड़ा सीरियसनेस होता है, तो आज हम लोग कॉमेडी नहीं करेंगे। एक सेकंड यार, अंडरटेकर ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं फिर उसके बाद हाथ ऐसे करते, यार वो मेरे को करना है पर इसके ऊपर मैं चढ़ ही नहीं पा रहा। एक सेकंड, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम लोग कॉमेडी नहीं करेंगे और ये यहाँ पे अपने आप ही कॉमेडी हो रही है। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे हाथ उठाओ और सीधा चलो अंदर। वैसे भी आज का मैच ये हमारा आखिरी मैच है, इसके बाद पता नहीं क्या होगा आगे। तो गाइस आज एक्सट्रीमली हार्ड में मैं खेल रहा हूँ और वेरी हार्ड में ही मेरी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, पर आज तो एक्सट्रीमली हार्ड है। और गाइस यहाँ पर शुरू होते हमें एक सुपरमैन पंच पड़ गया है गाइस, और हमारे अंडरटेकर नीचे भी गिर गए। और ये अंडरटेकर ने ले लिया है रोमन रेंस को एक लॉक। इस लॉक को क्या बोलते हैं? वैसे ये अंडरटेकर वाला लॉक है भी नहीं शायद। तुम लोग को मैं एक बात बताऊं? ओ एक सेकंड गाइस, एक सेकंड यार, ये रेफरी स्टेफनी मैकमैन है यार। मैं कभी नहीं चाहता कि ये मेरे मैच की रेफरी बने क्योंकि ये हमेशा अनफेयर ही डिसीजन लेती है। कोई बात नहीं, चल पॉल हीमन आज तू भी आएगा बीच में तो तेरे को भी मारूंगा। तो गाइस हमारा ये जो आज का मैच है ये नॉर्मल 1-on-1 मैच है ही नहीं, ये है नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, यानी कि यहाँ पर सब कुछ जायज है। हम लोग चेयर से भी मार सकते हैं, माइक कैमरा टेलीफोन बैट बॉल हॉकी स्टिक सबसे हम लोग इसको आज मार सकते हैं रिंग के अंदर, और हमारी रेफरी हमें कुछ नहीं बोलेगी। आज का मैच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे पिछले टूर्नामेंट्स को जिसने भी ये देखा है उसे आज का मैच तो देखना ही चाहिए, देख रहे हो ना। तो गाइज हम लोग एक बार फिर से रिंग के अंदर आ गए और ये अंडरटेकर अब लेने जा रहे हैं हाई फ्लाइंग मूव। तो गाइज 1 2 और ये 3। ओ भाई, रोमन रेंस ने हम लोग को हवा में ही एक स्पीयर दे दिया है, खतरनाक भाई। ये इस मैच का हाईलाइट मोमेंट हो सकता है क्योंकि भाई काफी खतरनाक मूव मारा है रोमन रेंस ने, मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड मूव, पर यार ये एक्सट्रीमली हार्ड है, मुझे तो इतना हार्ड नहीं लग रहा। शायद हम लोग ने इतने सारे टूर्नामेंट खेल के यहाँ तक पहुँचे तो हम लोग की शायद ट्रेनिंग हो चुकी है, हम लोग एक्सट्रीमली हार्ड भी खेल के जीत सके। ओके गाइज अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है, अबे काहे का घंटा सही जा रहा है। देखा मैंने क्या बोला, ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, मैं चाहे रॉप को टच करूं या फिर रॉप के ऊपर पूरा लेट जाऊं कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है आज। ओ अबे क्या कर रहा है ए? ये देखो गाइस जिन लोग को लड़ाई करना है रिंग के अंदर वो लोग रिंग के बाहर आ गए, और जिसको रिंग के बाहर खड़े रहना है वो रिंग के अंदर आ गए। कुछ भी चल रहा है यार आज तो। कोई बात नहीं गाइस, पिछले 3 राउंड से मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में मैं जॉन सीना को लेके जिताऊंगा, पर वहां पर कैन ने उम्मीद पे पानी फेर दिया। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अंडरटेकर को जिताऊंगा, पर हमारा जो लास्ट मैच था आप लोग ने देखा तो होगा तो आपको याद होगा भाई कैन तो काफ़ी खतरनाक मोड में आया था, वो तो हम लोग एंड में आके जीत गए, वरना वो तो आज अंडरटेकर की जगह पे कैन आया होता। ओके अबे यार मैंने हाथ उठाया तो बाहर कहाँ जा रहा है? ओ जिमी और जे उसो, और ये क्या जे उसो रेफरी बन के क्यों आया है? अच्छा मतलब अब एक मैच में दो रेफरी रहेंगे, वाह। अरे स्टेफनी मैकमैन कुछ बोलो यार उसको, आपकी जगह छीन रहा है, आज रेफरी की जगह छीन रहा है, कल को बोलेगा कि मैं WWE का मालिक हूँ, तू भाड़ में जा। यार ऐसा कैसे चलेगा, कुछ बोलो यार। अरे आप उसको कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, छोटी बच्ची हो क्या? अबे ये देखो 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 रिंग के अंदर आ रहे, अब क्या ये रिंग के अंदर आ गया मतलब रेफरी भी बन गया? यार ये तो बहुत ही अनफेयर है यार, मैंने पहले ही बोला था कि ये स्टेफनी मैकमैन जहाँ पे रहती है ना वहाँ पे अनफेयर डिसीजन होता ही है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, हमने एक चॉक स्लैम लगा दिया है, ऐसे ही कुछ 3-4 चॉक स्लैम की और तरकार है हमें, उसके बाद एक टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर दे देंगे,
उसके बाद मैच खत्म कर देंगे और उसके बाद दोनों की दोनों चैंपियनशिप हमारी। ओ बैक सुप्लेस, ओ भाई हमने अनाउंसिंग टेबल तोड़ दिया है। ओ यार यहाँ पर हम जीतते हार गए फिर से। और ये रोमन रेंस का एक सुपरमैन पंच अनसक्सेसफुल होते हुए, ये देखो ये हमारा रेफरी है, अंदर बाहर कर रहा है। और एक और चॉक स्लैम गाइस, भाई मैं ये जेउसो को पकड़ के मार दूंगा, बोल रहा हूँ, मुझे इस पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये कहाँ से आ गया यार, ये इतना बड़ा मैच तीन टूर्नामेंट खेलने के बाद, एक टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट करने बाद हम इस मैच में यहाँ तक पहुँचे। सोचा कि अच्छे से खेल के जीतेंगे, पर यहाँ पे तो अलग ही नशे चल रहे। ओ ये देखो, अब इन्हीं की कमी थी, अब कैन बन के आया रेफरी। गाइस देखो इन सबको रेफरी बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, हाँ वरना तुम लोग को लगे ये सब मैंने फिक्स किया है। अबे पावर बॉम्ब मिल गया यार, वाट लग गई है, कहाँ मेरा। ओ कोई बात नहीं गाइस, रोमन रेंस क्या है हम लोग के लिए, बच्चा है, होगा वो डबल चैंपियन, लेकिन अपने घर में हमारे सामने नहीं। एक सेकेंड, ये कैन किसके ऊपर फेंका, मेरे ऊपर फेंका तू, अबे तू उसके साइड है कि तू मेरे साइड है। गाइस मुझे अब भी कंफ्यूजन है कि ये कैन मेरा सपोर्ट लेने आया है या रोमन रेंस का सपोर्ट लेने आया है। मेरा सपोर्ट तो उसे लेना चाहिए, वो मेरा भाई है, पर लास्ट मैच में जो हुआ उसके लिए तो मुझे लगता है वो, ये देखो वाह, एक मैच में रेसलर सिर्फ दो ही है लेकिन रेफरी तीन है। कोई बात नहीं गाइस, इससे थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग बन गया है, पर इसे हम लोग को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना होगा। मैच को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमको लगाना होगा एक टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर, काफी टाइम से नहीं लगाया है। अब रोमन रेंस को लगाते हैं और मैच खत्म करते हैं। और एक लकड़ी उठा ली गाइस, अब अंडरटेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये फाट फाट फाट। ओ यहाँ पर रोमन रेंस पीटते हुए, एक सेकेंड मैं रोमन रेंस को मार रही हूँ, पॉल ह्यूमन की हेल्थ क्यों कम हो रही है यार, क्या चल रहा है यार इस गेम में, आज इस गेम्स के सारे मोड्स ने एक साथ नशे कर लिए क्या। पहले तो यार इन तीन रेफरी को यहाँ से भगाओ, अगर मेरी सटक गई ना तो तीनों रेफरी को उठा के एक एक चॉक स्लैम दे दूंगा, फिर एक भी रेफरी नहीं रहेगा मैच में, भाड़ में गया मैच का रिजल्ट। ओके अबे एक और चॉक स्लैम के लिए हाथ उठा लिया, ये कौन फेंका भाई, पीछे से कोई कुछ तो फेंका, और एक चॉक स्लैम भी दे दिया। गाइस हम बहुत ज्यादा करीब है टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर के। ओ बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, और उससे भी ज्यादा गर्मी इस मैच में चल रही है। और ये को अरे ओ भाई रोमन रेंस ने लॉक ले लिया है, गलत टाइम पे लॉक यार, नहीं छोड़ भी दिया, हमारा फिनिशर आ रहा है, ऐसे टाइम पे कोई मस्ती नहीं चाहिए। तीन रेफरी वैसे ही है, पता नहीं क्या होगा मेरे मैच का, इतना लंबा राउंड यार। स्टार्टिंग में पहले राउंड में टोटल 8 बंदे आए थे, वहां से जीत के फिर सेकेंड राउंड में पहुंचे जहां पे 4 बंदे थे, उसको भी जीत के फिर थर्ड राउंड में पहुंचे जहां पर 2 बंदे थे, और उसको भी जीतने के बाद आज यहां पर हम पहुंचे हैं, और हमारा फिनिशर भी आ गया है, और हम टेबल पे भी चढ़ गए। और गाइस टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर टेबल को तोड़ते हुए, और गाइस कैन फटाफट काउंट कर रहा है, 1 2 3 गाइस द अंडरटेकर हैज वन द WWE चैंपियनशिप, प्राउड मोमेंट गाइस, हमारे अंडरटेकर के कंधों पे दोनों चैंपियनशिप्स आ गई हैं, वाओ सल्यूट है ब्रो, आपको सल्यूट है। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, ये हमारे टूर्नामेंट का आखिरी वीडियो था तो एम करते हैं 400 लाइक्स का। गाइस मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो ताकि हम ऐसा ही कुछ और बड़ा सोच सके। एक और बात गाइस, थैंक यू सो मच इस टूर्नामेंट को इतना प्यार देने के लिए, मुझे लगा नहीं था कि जब मैं इसको बनाने वाला था तो मुझे नहीं लगा था कि WWE टूर्नामेंट को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। गाइस ऐसे सब लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहो, मैं कुछ और भी बड़ा ट्राई करने का सोचूंगा। तो गाइज अब बहुत बकवास हो गई, अब मैं चलता हूँ।